नए कानून नए प्रावधान के तहत थाना परिसर में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। कानून को लेकर वरिष्ठ जनों ने रखे अपने विचार। पानसेवल थाना परिसर में सोमवार को नए कानून नया प्रावधान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। थाना प्रभारी मनसाराम बघेल ने भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में आमजनों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों विद्यार्थियों सहित क्षेत्र के गणमान्य जनों को नए कानून के बारे में बताया। थाना प्रभारी ने गंभीर अपराधों में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया, जो शीघ्र से शीघ्र जांच कर अपराधी को दिलाई जाएगी। उपस्थित जनों ने नए कानून से जुड़े प्रश्न भी पूछे, जिनका थाना प्रभारी ने जवाब दिया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, उपाध्यक्ष साहेब राव चौधरी, शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती द्वारका आर्य, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य श्रीमती सरता धारवे, समाज सेवी अजय मिश्रा, सरपंच प्रतिनिधि मोंटा खेड़कर, पार्षद प्रतिनिधि महेश प्रजापत सहित विद्यार्थी, ग्राम और नगर से क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पानसेवल से सावन भंडारी। कानून को अभी हम लोगों ने जो तत्काल में जो समझा है, एक तो जो विवेचना के लिए पुलिस को समय थोड़ा सा और ज़्यादा दिया गया है नए प्रावधान में, वो ठीक है। इसके बाद में 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो कुछ सुविधाएं दी गई है नए कानून में, कि उनको थाने पे बुलाना है या उनकी गिरफ्तारी के पहले थोड़ा सा जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, उनको कुछ छूट मिल रही है। और फिर ये हमारे हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तानियों के लिए तो काफ़ी सोच समझ के बनाया गया होगा, और इसकी पूरी समीक्षा अभी जो है वो कुछ समय लगेगा उसमें, बाकी लग रहा है कि इसके जो प्रावधान है वो हमारे देश के अनुरूप रहेंगे। सर, पिछले कानून को आप जानते हो, अभी के कानून में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो कठोर और गंभीर अपराध उससे अपराधियों को कहीं ना कहीं पिछले कानूनों के और इस कानूनों के समय में देश काल का काफ़ी अंतर है। अब जो अपराध के प्रकार है वो भी बदले हैं, तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसको भी जो उसमें सुधार करा है वो आने वाले समय में हो सकता है इसके परिणाम सार्थक रहेंगे। सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो अंग्रेजों ने बनाए कानून को का संशोधन किया। इस भारत देश में रहने के बाद अंग्रेजों की चलती थी, जो अंग्रेज राज करके गए उन्हीं का कानून लेके अपने ऊपर थोपा जाता था। आज मध्य प्रदेश भारत सरकार ने बहुत अच्छा संशोधन किया है सभी कानूनों में, और हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हैं कि जो अंग्रेजों के कानून का जिस प्रकार से आप सम्मान करके उसका वो करते थे, उससे बेहतर अपने भारत सरकार के बनाए हुए कानून को सम्मान करें। और हमारे द्वारा इस मेरे द्वारा ये बताया गया था थाने पे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग मोबाइल नहीं चला पाते, इसलिए मोबाइल से कंप्लेंट करना ये करना थोड़ा कुछ कठिनाई रहेगी, उनको उन लोगों को ईमेल करना ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक हेल्पर नंबर है, ताकि एक सरल नंबर है 10, 11 या 25, 50 ऐसा कुछ भी एक सरल नंबर है, ताकि कोई भी आम आदमी भी अपने घर से शिकायत कर सकता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार में जो नए कानून लागू हुए, नए प्रावधान लागू, उसके संबंध में थाना परिसर में एक जनसंवाद एवं सेमिनार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नगर परिषद पानसेवल के गणमान्य व्यक्ति और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी आए थे, और हमारी शांति सुरक्षा समिति के लड़के भी और क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित आए थे। जो नए कानून जो आज से लागू हुआ उनके बारे में उनको बताया गया है और उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। बेसिकली उसमें आजकल हो गया कि ये FIR से भी आप थाने पर बिना आए भी FIR करा सकते हैं, और उसमें टाइम बाउंड भी हो चुका है कि एक नियत समय में एक FIR होगी और उसका ट्रायल होगा, और पीड़ित जो पीड़ित है उसको सही समय पर और समय में उसको निर्णय मिलेगा और न्याय होगा उसके साथ। सर, वर्तमान में कितने कानून अब यहाँ पर उसमें रहेंगे चलन में? जो बेसिकली जो IPC था हमारा, उसकी जगह BNS धारा अपराध एक्ट आ गया है, और जो CRPC था उसकी जगह BNSS आ गया है, और जो एविडेंस एक्ट था उसका BSE आ गया है। तीनों हमारे जो मेजर एक्ट थे जो तीनों चेंज हो चुके हैं, और जो लोकल अधीन एक्ट हैं वो रहेंगे डायरेक्टर। सर, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? IPC को हम BNS के नाम से जाना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, और जो CRPC थी उसको हम BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानेंगे। कानून नए प्रावधान जो हमारे सरकार ने यह लागू किए हैं, और ये इसमें बहुत से नियम बदले गए हैं जो कि पब्लिक हित में है, और इसमें एक नियम मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो 18 साल से कम आयु की बालिका पे दुष्कर्म किया है किसी ने,
तो उसकी जांच पे अगर वो सही पाया गया तो उसे सीधी फांसी की सज़ा मिलेगी, जो वर्षों से लोगों की यह कार्रवाई करने की मांग थी ये उन्हें जो पूरी की गई, इससे जरूर ही समाज में बहुत ही सुधार आएगा। और दूसरा एक कानून जो आपसी संबंध बनाने का जो था पुरुष और एक स्त्री के, इसमें उसमें भी जरूर सुधार आएगा। और अन्य जो कानून बना है वो भी बहुत ही अच्छे बना है, इसके लिए हम गृह मंत्रालय और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।